नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। और आज है क्लास नंबर 19, जिसमें हम करने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चंस पेपर वन के पिछले 18 वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, लिंक्स सारे के सारे प्लेलिस्ट के आपके डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर इस वीडियो को कॉमर्स के बच्चे देख रहे हैं तो आप इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स और एचआरएम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सारे के सारे मेरे अन अकेडमी की प्रोफाइल के लिंक और कोर्सेज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, जाइए और तैयारी कीजिए। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, यह है मेरी प्रोफाइल नवीन साख नाम से। जाइए अन अकेडमी पे, आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और जितनी भी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वो देखिए। जो जो आपको पढ़ना हो, जो जो आपके लिए बेनिफिशरी हो, वो जाके पढ़ लीजिए। आई वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग बिकॉज़ हर किसी की नीड अलग होती है। आपको जो भी पढ़ना है, मैंने सबके टाइटल्स डाल रखे हैं, वेदर इट्स इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, जो भी है, तो आप जाके वहाँ प्रिपेयर कीजिए। इस सीरीज़ के 18 वीडियो नहीं देखे हैं पहले के, तो वो भी देख लीजिए। और अगर आपको पेपर वन और अच्छे से क्लियर करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो पेपर वन के 10 वीडियोज़ अन अकेडमी पे हैं, 80 क्वेश्चन है उसमें, वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो 80 क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं इस क्लास में आपको, मैंने पीछे दो तीन क्लासेस से शुरू किया है कि एक टॉपिक मैं रोज़ लूँगा और उसके बाद आपको एमसीक्यू कराऊँगा, 7 से 8 या 6 से 8 एमसीक्यू। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को प्लान करने वाले हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है। देखिए, एक्शन रिसर्च, मुझे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एक्शन रिसर्च इज फोकस ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन। एक्शन रिसर्च कहती है कि आप इमीडिएट एप्लीकेशन करें, नॉट ऑन द डिवेलपमेंट ऑफ द थ्योरी और ऑन द जनरल एप्लीकेशन। मतलब कि यहाँ जो बात होने वाली है वो इंस्टेंट बात होती है, ना कि किसी भी चीज़ को जैसे स्टेज वाइज आप कहते हैं कि डिवेलप कीजिए और उसके बाद उसमें आप डिवेलपमेंट देख सकते हैं या फिर तब आप रिसर्च रिजल्ट निकालेंगे। नहीं, एक्शन रिसर्च में हमेशा बात होती है टोटल इम्पैक्ट की और इमीडिएट रिसर्च की। उसके बाद दूसरी बात, इट इम्फेसिस, ये किस पे ध्यान देती है? इट इम्फेसिस ऑन अ प्रॉब्लम। ये इम्फेसिस देती है, सबसे ज़्यादा ध्यान देती है किस प्रॉब्लम पे? इट इम्फेसिस ऑन द प्रॉब्लम हेयर एंड नाउ इन लोकल से बी एवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ लोकल एप्लीकेबिलिटी। सारी की सारी जो यहाँ एम्फेसिस होने वाला है, बात होने वाली है, वो किस चीज़ पे है? वो लोकल सेटिंग पे बात है और उसी के साथ साथ फाइंडिंग्स पे बात है जो कि लोकल एप्लीकेबिलिटी हो जिसकी, ना कि यूनिवर्सल वैलिडिटी हो। तो देखिए, इट्स पर्पस इज टू, इसका पर्पस क्या है आप देखिए, इट पर्पस इज टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस एंड टू इम्प्रूव दोज हु ट्राई टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस टू कंबाइन द रिसर्च प्रोसेस, जैसे हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, एबिलिटी टू वर्क हारमोनियसली विद अदर्स और प्रोफेशनल स्पिरिट। तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्या आ रही है, दैट इन द फील्ड ऑफ एक्शन रिसर्च अ टीचर कंडक्ट्स एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव हिज ओन टीचिंग। यहाँ टीचर एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करता है अपनी खुद की टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ, अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कंडक्ट्स एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव हिज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को भी वो सही करने के लिए क्या करता है, एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ एक्शन रिसर्च की जो बात हो रही है वो कम्प्लीटली फोकस है इमीजिएट एप्लीकेशन पे, और साथ ही साथ उसका सारा का सारा इम्फेसिस रहता है लोकल सेटिंग पे और लोकल एप्लीकेबिलिटी पे, ना कि यूनिवर्सल वैलिडिटी पे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे यूनिवर्सल लॉज हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट ये यूनिवर्सल लॉ हो गया, लेकिन यहाँ बात सारी की सारी जो हो रही है वो हो रही है आपकी लोकल एप्लीकेबिलिटी पे, और अपने एक्सपीरियंसेस का ध्यान रखता है टीचर, और अपने आप पे वो क्या कर रहा है, एक्शन रिसर्च के थ्रू वर्क कर रहा है। अ टीचर इज डेलिबरेटली मोर साइंटिफिक, इस लाइन को देखिएगा, द टीचर इज डेलिबरेटली मोर साइंटिफिक एंड केयरफुल, किसमें, इन डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पता करने में और उसके मुताबिक एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन करने में वो यहाँ पर बहुत केयरफुल है और इवेल्युएट करता है जितने भी एक्शंस वो ले रहा है। वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रख रहा है टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये था आज का टॉपिक। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इन केस कभी कभी होता है कि कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं यहाँ जो करवा रहा हूँ वो रोज़ एक टॉपिक इस तरीके से लेता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक लूँ जो आपने नहीं पढ़ा हो। पहली कोशिश तो यही होती है। तो फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। कम्युनिकेशन की जो भी संचार की प्रभावशीलता है उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? पहला, एटीट्यूड सर्वे से, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड से, स्टूडेंट की अटेंडेंस से, या सिलेक्शन ऑफ
कम्युनिकेशन चैनल से। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ए है, डेट इज़ एटीट्यूड सर्विस इस्तेमाल किया जाता है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं और स्टूडेंट की अटेंडेंस भी इस्तेमाल की जाती है। डी जो आपका है, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इसका कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर सही आंसर होगा। इसे प्रैक्टिस टेस्ट के हिसाब से दीजिएगा और कमेंट में नंबर भी शेयर कीजिएगा आपने। क्वेश्चन नंबर टू, असर्शन, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट और फ्लेक्सिबल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो औपचारिक संचार तेजी से और लचीला होता है। अब रीजन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो सिस्टमैटिक होती है और एक ऑर्डरली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो असर्शन है ये तो गलत है, दिस असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन गलत है, लेकिन जो रीजन है वो सही है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक सिस्टमैटिकली ऑर्डरली फंक्शन होता है। क्योंकि देखिए, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, सारी की सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन डिजाइंड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए, तो वो लचीले और फ्लेक्सिबल कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं अगर हायरार्की की बात करता हूँ यहाँ, कि ये इंसान इससे बात कर सकता है, ये इससे कर सकता है और ये इससे कर सकता है, ये डायरेक्ट इससे बात नहीं कर सकता, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है, ये जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल है, यहाँ ये क्या प्रूव कर रहा है कि ये फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, फास्ट और फ्लेक्सिबल, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक सिस्टमैटिकली ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है। ए इज फॉल्स, आर इज करेक्ट, फोर्थ आंसर। आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है हमारे चैनल पे जो हम मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक बात ज़रूर बोलते हैं मुझे कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं और जो तैयारी है वो बड़ी रेलिवेंट तरीके से चलती है। मैंने कॉमर्स के कोर्सेज पूरे के पूरे बनाने इसीलिए शुरू कर दिए हैं, HRM, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैं सारे के सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं पेपर वन पढ़ाना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और अनअकैडमी पे कॉमर्स इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि दोनों बच्चे कभी कन्फ्यूज़ ना हो और वहाँ भी प्लेटफॉर्म पे करें और यहाँ भी करें। यहाँ आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, यहाँ भी मैं कॉमर्स की क्लासेस डालता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे और टिल द 9 दिसंबर, 9 दिसंबर से पहले आप यकीन मानिए कॉमर्स का पूरा कोर्स आपके सामने खड़ा होगा आके, और पेपर वन का भी और साथ ही साथ मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज, ग्रेप वाइन को क्या कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन या फिर आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? तो देखिए, ग्रेप वाइन नेटवर्क जो होता है वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अब ग्रेप वाइन मैं नेटवर्क आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मैं ये इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे कर सकता है, इससे भी कर सकता है, यहाँ कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, तो ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन चैनल हो गया, ये एक इनफॉर्मल चैनल है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? परसुएसिव और कन्विंसिंग डायलॉग, पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, या फिर आपका वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, या स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन? तो जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं होता है, वो होता है वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है इस तरीके से, और जब तक यहाँ से फीडबैक इसे वापस नहीं मिल जाती, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, पूरा नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज, संचार में भाषा क्या होती है? वर्बल होती है, इंट्रापर्सनल होती है, सिम्बॉलिक होती है, या फिर नॉन वर्बल कोड होती है? तो जो संचार में भाषा होती है उसका एक वर्बल कोड होता है। जब भी हम कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसे एक वर्बल कोड को ध्यान में रखते हुए ही इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज, तो सीरीज देखिए आप, सीरीज में अगला टर्म कौन सा होगा? 2, 5, 9, 1937। जब आप 2 को इंटू करेंगे 2 से, तो 4 + 1 = 5। 5 को करेंगे इंटू 2 से और -1 कर देंगे, तो 10 - 1 = 9। इसी तरीके से 9 × 2 = 18 + 1 = 19। 19 × 2 = 38 हो जाएगा, 38 में से -1 करोगे 37, 37 × 2 = क्या करोगे, 74, और उसमें क्या करोगे आप, +1 कर दोगे जब आप, तो आपके पास आएगा 75, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी इजी सीरीज थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है हमारे चैनल की, जिस तरीके से पहचान है कि वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, तो वो बना रहे। अपनी फीडबैक ज़रूर जाहिर करें और जाके अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर मेरे कोर्सेज देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा वहाँ कोर्सेज से, क्योंकि
वहाँ पर आने वाले टाइम में अब HRM और ईको का कोर्स कल से ऐड हो जाएगा, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने वहाँ ऐसे कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं और फिर MCQ करवाऊँगा कि आपको महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में जाके पैसा खर्चने की ज़रूरत या महंगी महंगी किताबों पे पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं होगी। वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए करें, क्योंकि एक शेयर और आपका एक लाइक वो प्यार है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है इस मेहनत के लिए। शुक्रिया गाइज।